हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑडिट ऑफ होटल और मैंने इस पे एक रैप भी बनाया है ऑडिट ऑफ होटल पे, तो इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिए। सो मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं। सो वाइल स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ होटल यू हैव टू चेक द लीगल स्टेटस ऑफ दैट एंटिटी और द होटल, दैट इज इट इज इट अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अ पार्टनरशिप फर्म और अ कंपनी। उसके बेसिस पे आपको देखना है उसका MOA, AOA या पार्टनरशिप डीड जैसे उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। पर वाई शुड वी एग्जामिन द MOA, AOA और पार्टनरशिप डीड? क्योंकि हमें नोट डाउन करने हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे एंटिटी के, मतलब होटल के एंटिटी पे फर्क गिराने वाले हैं, मतलब प्रोविजंस विच विल हैव सम बियरिंग ऑन द ऑडिट वर्क। द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट वाई? क्योंकि हमें उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस नोट डाउन करने हैं जो हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इवैल्यूएट करना है अपना इंटरनल कंट्रोल, स्पेशली बिलिंग सिस्टम ऑफ गेस्ट, कस्टमर अवेलिंग सर्विसेज ऑफ बार, रेस्टोरेंट एंड लॉन्ड्री। उसमें से हमें उसका इंटरनल कंट्रोल पता चलेगा और अकाउंटिंग सिस्टम भी पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू सी द रूम सेल्स। तो रूम सेल्स कलेक्शन आप कैसे वेरीफाई करोगे? आपके पास जो रिसिप्ट है या गेस्ट रजिस्टर है उससे आपको रूम सेल्स कलेक्शन वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखना है कि हर एक कस्टमर को एक स्टैंडर्ड रेट अप्लाई किया गया है या नहीं, और वो स्टैंडर्ड रेट एक प्रॉपर अथॉरिटी या प्रॉपर ऑफिशियल ने रखा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है या नहीं, और वो कौन प्रिपेयर करने वाला है? हाउसकीपर प्रिपेयर करने वाला है। किसके रेफरेंस से करने वाला है? गेस्ट रजिस्टर एंड इंडिविजुअल बिल के साथ। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रूम सेल्स, बट द होटल ऑल्सो रिसीव्ड सम अदर इनकम्स सच एज बैंक्वेट हॉल। जी, बैंक्वेट हॉल में भी होटल को इनकम होती है, जैसे कि पार्टीज अरेंज होता है, मीटिंग्स अरेंज होता है। पर आप वो कैसे चेक करोगे? आपके पास क्या रेफरेंस है उसके लिए? तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। रेफरेंस आपके पास हो सकता है जो कस्टमर है उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया होगा, या आपके होटल का फिक्स टैरिफ स्ट्रक्चर होगा कि इतना दिन इतने समय के लिए आपको हॉल जा रहा है तो आपको इतना रेंट देना पड़ेगा। कैश बुक, बैंक पासबुक या रिलेवेंट रजिस्टर होगा, वो भी आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो और कुछ इनकम हो सकता है क्या? जी, एजेंसीज वाले भी होटल का स्पेस यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई बिल रेज हुआ होगा, तो वो भी आपको चेक करना है। तो क्या यूज़ किया होगा उन्होंने, स्पेस यूज़ किया होगा, या अदर फैसिलिटीज़ ऑफ द होटल भी यूज़ कर सकते हैं। उनके एग्जांपल है शॉपकीपर वाले, टूर ऑपरेटर्स, तो उनके बिल्स भी आपको वेरीफाई करने हैं। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करने के टैक्स कलेक्ट हुआ है या नहीं। अपना एक ही टैक्स है भाई, अभी इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज GST, और वो डिपॉजिट किया गया है एक रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास, वो भी आपको अच्छे से देखना है। सो वी हैव डन विद अदर रिसिप्ट्स। तो उसके बाद आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है कि वो प्रॉपरली लिखी गई है या नहीं, जैसे कि वेजेस प्रॉपरली शो किए गए हैं या नहीं, या जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको हम क्रेडिट टर्म देते हैं उनसे प्रॉपरली वो टर्म में पैसे रिकवर कर रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। उसके बाद आपको देखना है कि कमीशन जो पे हो रहा है एजेंट्स को वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। उसके बाद प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हर एक स्पेशल ऑडिट में आप लिख सकते हो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। आफ्टर दैट यू हैव टू सी इफ देयर इज एनी एडिशंस टू द फिक्स एसेट, अगर हुए हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है या नहीं, वो देखिए। और उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटी प्रॉपरली डिस्क्लोज हो रहे हैं या नहीं, वो देखिए। अगर होटल वाले कोई एक काउंटर रख रहे हैं जहाँ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर प्रोविजंस या रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं फेमा के या नहीं, वो भी आपको अच्छे से देखना है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, मोटिवेशन मिल जाता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ये वीक में पूरा वीडियोस अपलोड होने वाला है स्पेशलाइज ऑडिट पे, रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। और क्लिक द बेल आइकन सो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो एज आई ऑलवेज से, कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।